वेलकम टू माई चैनल पायल्स क्रिएटिव कॉर्नर। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेड डेकोर और बेड के साइड में किस तरह अपन डेकोर कर सकते हैं, बहुत ही वो भी घर में पड़े हुए सामान से और पुराने कुछ कपड़ों से। घर को सजाना तो अपने हाथ में ही रहता है फ्रेंड्स, भले कोई भी पुराने चीज़ हो उसको नया बनाना अपने ही हाथ में रहता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साइड टेबल बनाऊंगी। साइड टेबल के लिए मेरे पास एक्चुअली एक पुराना सा टेबल पहले से ही था, इस तरह मेटल का। इस टेबल मतलब यूँ तो इतना खास नहीं लग रहा था, इसको नॉर्मल में कॉर्नर में रखा करती थी या इसको स्टोर रूम में रखा करती थी। तो इसको आज मैं बेड साइड टेबल बनाना चाहती थी, इसलिए इसके ऊपर पहले मैं मेज़रमेंट ले लूँगी। इसकी लंबाई और चौड़ाई टोटल 12 इंचेस है, तो इसके हिसाब से मैं इसके ऊपर डबल कपड़ा ली हूँ। इस तरह मेरे पास एक एम्ब्रॉयडरी कपड़ा था जो कि आपको एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। छोटा सा टेबल मैंने बनाया था टिन से, तो उसी का उसमें कपड़ा बसता था, तो उसी का कपड़ा मैं यहाँ पे ली हूँ और इसको ऊपर के साइज़ में काटी हूँ। फिर उसके बाद मैं ली हूँ एक शॉपिंग बैग, बहुत ही पुरानी शॉपिंग बैग थी ये। इसको 2-3 बार धोने पे बहुत ये इसका डिज़ाइन मतलब ख़राब थोड़ी सी हो चुकी थी, तो इसका पहले मैं हैंडल हटा देती हूँ। हैंडल हटाने के बाद इस पे जो मैंने ऊपर टेबल पे क्लॉथ रखा था उसको कुछ इस तरह रखूँगी, यानी इसको डबल साइड रखूँगी, बीच में मैं शॉपिंग बैग रखूँगी। ये डबल था क्लॉथ इसलिए इसको वन साइड कट करना था, तो कट करके अभी इसको ऊपर नीचे रखे, बीच में मैं शॉपिंग बैग रखूँगी इस तरह। और इसको मैं चारों ओर सिलाई लगा देती हूँ ताकि अच्छे से सिक्योर रहे। अब चारों ओर भी सिलाई लगा दी हूँ। अभी जो एक्स्ट्रा सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको मैं नीट से काट के हटा दूँगी, वरना इससे लुक ख़राब हो जाता है। और काट के ये जो कटिंग्स बचते हैं ना साइड के स्टफिंग, इसको मैं पिलो स्टफिंग में यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह मैं चारों ओर अच्छे से कट कर देती हूँ ताकि इससे क्या होता है फिनिशिंग अच्छे से आती है। एक्चुअली ये वाला कपड़ा तो लहंगे का कपड़ा था, इसका मैंने एक टिन का कैन था उस पर मैंने कवर बना के एक छोटा सा टेबल बनी थी, वो आपको मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसी का कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा बचा था, तो मैं सोची आज इसका टेबल का मेकअवर करके और मुझे बेड साइड टेबल मैं बना देती हूँ, डेकोर कर लेती हूँ। तो ये जो स्टफिंग है इसको मैं पिलो में भर देती हूँ, बाद में ये भी आपको दिखा दूँगी। तो अभी इस तरह ये बनके तैयार हो गया, टेबल पे परफेक्टली फिक्स हो चुका है। तो अभी इसके बाद मेरे पास ये वाला भी एक कपड़ा आपके साथ, इसका भी मैं DIY शेयर की थी सेम, तो उसी को ये इसका लेंथ में बराबर हो चुका था, इसका पूरा लेंथ में फिक्स हो चुका था इस तरह। तो इसको मैं क्या करूँगी, कुछ इस तरह उल्टा रख के इस तरह फ्रिल लगाते हुए दूर दूर पे सिलाई कर दूँगी चारों ओर में, जैसे कि आपको मैं अभी दिखाऊँगी। इस तरह ये मुड़ जाएगा तो बहुत ही क्लीन आएगा। तो इस तरह उल्टा रख रही हूँ और यहाँ पे इस तरह मुड़ते हुए सिलाई करूँगी ताकि दूर दूर पर थोड़ा थोड़ा फ्रिल देते हुए मैं सारा यहाँ पर सिलाई कर देती हूँ। इससे देख सकते हैं इस तरह दूर दूर पे मैं फ्रिल्स देते हुए वन साइड सिलाई कर दी। इसी तरह मैं चारों ओर भी सिलाई करके क्लोज कर देती हूँ कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग करके। तो कट करके क्लोज करके मैं टेबल पे रख देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लोज किया है। तो इस तरह कितना प्यारा सिंपली बन गया है और ये बहुत ही क्यूट लग रहा था मेरे बेड के पास में, तो ये कितना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़े से टाइम में बहुत खूबसूरत चीज़ बनके तैयार हो गई है। और इसी छोटे से साइड में टेबल है इसी की मैं बात कर रही थी, इसका जो कपड़ा मैं पिछली बार बचा था उसी का कपड़ा मैंने यहाँ पे बड़े टेबल में यूज़ कर ली हूँ। तो ये दो साइड में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बेड के पास में तो इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये तो मुझे एकदम कैमरे में इतना नहीं दिख रहा है पर रियलिटी में बहुत अच्छा लग रहा था। ये हाल ही फ़िलहाल में मैं DIY बनी थी, आपके साथ शेयर भी की हूँ, तो उसी का यहाँ पे इस पर मैं रख के देख रही हूँ। पर इसको हैंगिंग में ही सही था, तो ये भी फ्लावर पार्ट में भी मेरे हाथ से बना हुआ ही है, तो इसको मैं यहाँ पे रख के इस तरह डेकोर कर दूंगी। तो साइड बेड साइड टेबल बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बेडरूम में एक अलग सा कॉर्नर बहुत अच्छे से बन गया मेरा। तो चलिए आपको मैं और इसके साथ क्या क्या बने मैं बताती हूँ। तो
मेरे पास मेरे हस्बैंड का एक पुराना सा शर्ट है, ये इसका कॉलर देख सकते हैं बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो चुका है, तो इसका मैं रीयूज़ करूँगी। तो इससे पहले मैं निकाल दूँगी ये साइड के बटन्स जो भी, इसको हटा देती हूँ क्योंकि ये बटन्स वापस मुझे कहीं ना कहीं अपने को काम आते हैं। तो जब भी आप शर्ट वगैरह कोई भी चीज़ रीयूज़ करते हो तो उसके बटन्स हटा लीजिए, क्योंकि बटन्स अपने को कहीं ना कहीं काम आते हैं या अगले शर्ट में इसको रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैं सारे बटन्स हटा देती हूँ और हाथ के भी जो बटन्स हैं इसको भी मैं हटा देती हूँ। और ये सारे बटन्स मैं एक मेरे बहुत बड़ा सा बटन का कलेक्शन है तो उसमें डाल देती है। सारे इतने सारे बटन्स निकल चुके हैं। तो अभी शर्ट की बारी आती है, तो शर्ट को पहले मैं कॉलर काट देती हूँ। तो इसमें मुझे एक्चुअली क्या बनाना था, ये जो कपड़ा बचा था उसमें मैंने कुछ इस तरह रेक्टेंगुलर पीस जो बचा उसको निकाली हूँ। तो ये इसका मेज़रमेंट तकरीबन, और ये भी कपड़ा इसका बचा था टेबल का, मेज़रमेंट 17 इंचेस बाय 13 इंचेस या 12 इंचेस का मेज़रमेंट है। तो सेम इसी का ये जो वॉयलेट कलर का कपड़ा बचा, सेम मेज़रमेंट में ये भी मैं कट कर देती हूँ ताकि मुझे इसमें एक पिल्लोस बनानी है। तो कपड़ा बच गया, तो इसका पिल्लोस भी मुझे कलर बहुत अच्छा लगा कॉम्बिनेशन इसका, इसलिए मैं सोची अभी ये कपड़े को वेस्ट ना करूँ, जितना बचा है इसका और थोड़ा सा जो बचा है उसका मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सेम इस तरह 17x12 इंचेस में मैं इसको कट कर देती हूँ, यहाँ पे मार्क करके यहाँ पे मैं कट लगा देती हूँ। इस तरह 17x12 में कट कर दी हूँ और इसको भी मैं दो पीसेस में कट कर देती हूँ। इस तरह देख सकते हैं दो पीसेस में ये भी कट कर दी हूँ। इसको पहले इस तरह सीधा रखूँगी और इसको मैं क्या करूँगी उल्टा रखूँगी और इसको मैं तीन तरफ सिलाई लगा देती हूँ। देख सकती है इस तरह इसको उल्टा रखे और उसको सीधा रखे, मैं तीन साइड्स इसको सिलाई लगा दूँगी। इसका एक तकिए का जो कवर है, पिल्लो कवर है, वो बन के तैयार हो जाएगा। सेम इसी तरह मैं इसको भी तीन साइड्स कवर सिलाई कर देती हूँ। तो ये हो गया, साइड में रखी हूँ। अभी इस शर्ट का मैं क्या करूँगी, पहले इसका कॉलर जो है इसको हटा देती हूँ क्योंकि मेन कॉलर से बहुत ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेज़र करके देख रही थी इसमें मेरे कितने पिल्लो कवर्स मैं इसमें निकाल सकती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी होता है क्योंकि अपनी शर्ट को टाइट नहीं रख सकते, तो बहुत कोशिश की। उसके बाद मैं पहले सोची कि इसका कॉलर हटा देती हूँ, कॉलर हटाने से एक साइड में काम हो ही जाता है। तो देख सकते हैं ना, इस तरह कोई भी पुराने कपड़े वगैरह भरते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसका रीयूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है, अपन घर में अच्छी भी होम डेकोर भी हो जाते हैं और घर भी ऑर्गेनाइज रहता है। तो इस तरह मैं खोल दी हूँ और यहाँ पे मैं ये नीचे ऊपर नीचे होता है, तो जहाँ ऊपर की ओर है वहाँ से लेके नीचे बगल के तरफ वहाँ से मैं एक 16 इंचेस का मार्क कर ली हूँ और ये जो 18 का इंच है उससे कट करके मैं इतना सा पीस ले ली हूँ, डबल फोल्डेड की हूँ, इतना पीस मुझे निकला है। ऊपर आस्तीन से नीचे बगल के नीचे से कट करके ले ली हूँ और सेम इसको भी मैं 17x12 इंचेस में कट कर देती हूँ। इस तरह मेरा एक रेक्टेंगुलर पीस बन गया, तैयार हो गया है। इसको मैं उल्टा फोल्ड कर ली हूँ, उल्टा फोल्ड करके मुझे दो साइड सिलाई कर दूँगी। इधर साइड मुझे सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये पीस बचा है, इसमें ये और थोड़ा हैंड पीसेस बचे हैं उसका भी निकाल के, यह देख सकते हैं बाजू के इसके निकाल के मैंने इसको भी एक कवर बना ली हूँ। तो अभी इसको अच्छे से खोल के कॉर्नर्स पे अच्छे से निकाल के इसमें भरूँगी मैं पुराने सारे कपड़ों का स्टफ। तो कि मेन कॉर्नर्स का बात होती है तो कॉर्नर्स को अच्छे से खोल लेते हैं, जो कि शर्ट में जो हैंड होते हैं, हैंड थोड़े बड़े होते हैं ना, तो उसी के कपड़े को काट के मैं सब दो कवर्स इसमें से शर्ट में से टोटली दो कवर्स में छोटे से निकाल दी हूँ 17x12 इंचेस के। तो अभी इसमें भरूंगी ये सारा पुराना स्टफ। अभी जो मैंने स्टफ कट किया और पहले के मेरे पास जो भी सारे स्टफ बचे थे, सारे स्टफ जो भी कपड़े के स्टफ है सारे मैं इसमें भर दूंगी, ताकि क्या होता है पता है, इससे घर गंदगी भी नहीं रहती क्योंकि छोटे छोटे कपड़ों से घर बहुत ही फैला हुआ रहता है, घर ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। तो इसलिए मैं सोची कि ये पुराने कपड़े जो है इसको ही मैं यूज़ करके पिल्लो बना के घर पे ऑर्गेनाइज भी बनाऊंगी और पिल्लोज भी बन जाएंगे और घर भी डेकोर हो जाएगा और कोई मेहमान आने पर भी पिल्लोज तैयार हो जाएंगे। इस तरह मैं दो में भी भर दी हूँ और ऊपर की ओर मैं सिलाई कर देती हूँ। इस तरह फोल्ड कर रही हूँ, थोड़ा सा मोड़ के फोल्ड करती हूँ ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए। जो भी अपन सिलाई करते तो उसकी फिनिशिंग अच्छे से लेना चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरह ये फोल्ड कर दी हूँ और हाथ से ही हाथ
सुई धागे की मदद से मैं यहाँ पे सिलाई कर देती हूँ। इस तरह देख सकते हैं, इस तरह इसका सारा जो ओपन पार्ट है इसको मोड़ मोड़ के हाथ से सारा मैं सिलाई कर देती हूँ। इससे क्या होता है, पूरा अच्छे से सिलाई हो जाता है। आप चाहे तो मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह एंड में मैं नॉट लगा के सिक्योर कर देती हूँ। देख सकते हैं, और ये अपना पिल्लो बन के तैयार हो गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक्स्ट्रा धागे को कट कर देती हूँ नॉट बना के, तो एक पिल्लो बन के अपना इजीली तैयार हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा टैप करके अच्छे से इसको परफेक्ट कर लेती हूँ, ताकि ऊपर नीचे मोटा छोटा बड़ा ऐसे हो जाता है। तो इसलिए अच्छे से इसको टैप करके मैं परफेक्ट साइज़ में बना लेते हैं। तो इसके बाद मैंने कवर सिए थे ना, तो वो कवर को इसमें मैं इंसर्ट कर दूँगी। इसके भी कॉर्नर्स अच्छे से निकाल के इस कवर को इसके अंदर मैं इंसर्ट कर देती हूँ, इस तकिए को। देख सकते हैं कितना अच्छे से ये लगेगा। और इतना मतलब पुराने कपड़े वगैरह कितना रीयूज़ हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, इससे अपना घर कितना ऑर्गेनाइज हो जाता है ना। और अपन डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नए नए क्रिएटिविटी, तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती हूँ, मुझे अच्छा बहुत अच्छा लगता है। तो इसको भी इस तरह ही फोल्ड करके मैं हाथ से सिलाई कर देती हूँ, और इसका भी ओपन पार्ट मैं अच्छे से क्लोज कर देती हूँ। हाथ से इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। इस तरह देख सकते हैं, ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से, हमेशा मोड़ के ही क्लोज करना। डायरेक्टली क्लोज करने के बाद उसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है। तो इसको इस तरह मोड़ते हुए मैं टोटल जो भी ओपन पार्ट है उसको मैं क्लोज कर देती हूँ, क्योंकि बेड को डेकोर करना भी बहुत अच्छी बात होती है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे पॉजिटिव फीलिंग्स आते हैं। मेरे घर में एक्चुअली ज़्यादातर सारे हैंडमेड चीज़ें ही रहते हैं, कहीं भी जो ज़्यादातर हैंडमेड चीज़ें ही आपको दिखाई देंगे, सारे मैंने खुद हाथों से डेकोर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है घर को। तो यहाँ पे नॉट दे दी हूँ, अच्छे से सिक्योर करके नॉट दे देते हैं। देख सकते हैं कितने मिनटों में कितना जल झटपट अपना घर भी तैयार हो जाता है, अपना टाइम भी अच्छे से रेगुलर सेव हो जाता है, और कुछ नया भी बना सीखने को मिलता है फ्रेंड्स। इसको मैं यहाँ पे प्लेस की हूँ मेरे बेड के सिराने के ऊपर, और ये बेडशीट का ये जो सिराना है आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और साइड में लगा दी हूँ ये वाली टेबल, और उस पर भी ये मेरा होम डेकर ओल्ड कैलेंडर से बनी थी, और ये वाला छोटा सा टेबल साइड में रख दी हूँ। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली लुक ये दे रहा है, मुझे तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगता है। और आपको ये कवर्स देख सकते हैं, एक्चुअली डबल साइड भी रख सकते हैं, अपने मूड के हिसाब से इसको टर्न और सही से रख सकते हैं, आपको जिस तरफ रखना आप रख सकते हैं। मैं इसलिए डबल ऐसे सी हूँ, अगर मैं सिंगल सीती तो एक ही जोड़ी, मतलब इसका जोड़ी नहीं रहता, इसका जोड़ी बनाने के लिए मैं इसको डबल करके सी हुई। इस तरह सीने से क्या होता है, डबल साइड पिल्लो कवर भी बन जाता है, डबल साइड पिल्लो हो जाता है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये वाला भी छोटा सा राउंड मैं हाथ से बनी थी बहुत पहले, और इस तरह मेरा बेड डेकोर कर दी हूँ मैं मिनटों में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। इस तरह अपने खुद के बेड को आप डेकोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से डेकोर हो जाता है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए, एंड अगले वीडियो में मैं आपके साथ नए DIY नए क्रिएटिविटी के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।